नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव, बीजेपी ने चौथी बार आशा नोटियाल को मनाया प्रत्याशी, कांग्रेस के मनोज रावत को देंगी टक्कर, दोनों आज करेंगे नामांकन दाखिल। मुख्यमंत्री धामी ने नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी, ISVT देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, पैसिफिक होटल में भाजपा संगठन के समापन सत्र में की शिरकत। ज्योतिर्मठ नगर में भालुओं का आतंक बरकरार, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की चार टीमें कर रही गश्त, QRT ने भी संभाला मोर्चा, रात में घरों से ना निकलने की अपील। खटीमा में नशे के सौदागरों पर नकेल, आबकारी टीम की जंगलों में छापेमारी जारी, अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियां नष्ट। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, रात के वक्त तापमान गिरने से बड़ी ठिठुरन, चारधाम यात्रा ने भी पकड़ी रफ्तार, केदारनाथ में 15 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके दर्शन। और अब खबर विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे भाजपा उम्मीदवार आशा नोटियाल नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के साथ दोनों दल जनसभा करेंगे। दोनों दलों के बड़े नेता नामांकन के साथ जनसभा में मौजूद रहेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में CM धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में पूर्व CM हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी उकीमट में तो कांग्रेस अगस्त्य मुनि में जनसभा करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्या कुछ समय इनका नामांकन दाखिल करने का रहेगा, और जब नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो कौन कौन इनके साथ वहां पर मौजूद रहेगा? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि 9 जुलाई को जो विधायक है तो उनकी आकस्मिक निधन हो जाता है और इसके बाद ये जो सीट है वो खाली हो जाती है। इसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और 20 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है और 23 नवंबर को यहाँ पर मतगणना होगी। इसी क्रम में आज की अगर बात कर ली जाए तो अब क्योंकि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के तहत जो दोनों पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और इसी क्रम में अगर आज की बात कर ली जाए तो आज दोपहर 12 बजे जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनोज रावत वो अपना नामांकन कराएंगे और उसके ठीक 1 घंटे बाद 1 बजे बीजेपी उम्मीदवार जो है आसन होकर वो नामांकन करेंगी। मनोज रावत की अगर बात कर ली जाए तो मनोज रावत पहले भी विधायक रह चुके हैं, आसन नौटियाल भी पहले भी विधायक रह चुकी है। इसके साथ ही साथ अगर आज जब ये नामांकन करेंगे, यानी कि जब बीजेपी उम्मीदवार नामांकन करेंगे तो उसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ जब कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन करेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण महारा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुजार वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके बाद नामांकन करने के बाद दोनों पार्टियां, भाजपा की अगर बात कर ली जाए तो भाजपा उखीमठ में ही एक जनसभा को संबोधित करेगी और इसके साथ ही साथ जो है उखीमठ से लेकर अगस्त मुनि तक कांग्रेस एक रोड शो निकालने जा रही है, जिसके बाद जो अगस्त मुनि का रामलीला मैदान है वहां पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है या पूर्व मुख्यमंत्री है
हरीश रावत हैं जो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हैं वो उनकी जनसभा में प्रतिभाग करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। जी हिमांशु, यहाँ पर बात करें उम्मीदवारों की लेकर के, तो कांग्रेस ने उम्मीदवार मनोज रावत को मैदान में उतारा है और वही भाजपा ने आशा नोटियाल को मैदान में उतारा है, तो केदारनाथ की जनता का मन क्या कहता है, किस ओर केदारनाथ की जनता जाना चाहती है? निश्चित रूप से देखिए, प्रत्याशियों का ऐलान होने के बाद तस्वीर साफ तभी होगी जब मतगणना होगी, लेकिन अगर बात करी जाए, क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, इससे पहले जो विधायक थी वो भाजपा की विधायक ही थी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी कहीं ना कहीं, चाहे वो निकाय स्तर के चुनाव हो या बड़े से बड़े चुनाव हो, उसको बहुत गंभीरता के साथ लड़ती है और कांग्रेस भी गंभीरता के साथ लड़ती है, लेकिन इस बार क्योंकि केदारनाथ विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग है और जन मुद्दे की बात अगर कर ली जाए तो वो भी अलग है। लोगों की उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो मांग है वो भू कानून मूल निवास है, इसके साथ ही केदारनाथ की अगर बात कर ली जाए केदारनाथ क्षेत्र की, तो केदारनाथ क्षेत्र में आपदा एक चुनौती है, आपदा से किस तरीके से निपटा जाता है, इसका एक अच्छा उदाहरण इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया, जो खुद वहां पर मौजूद रहे, स्थिति को समझा और खुद ही आपदा जब आपदा आई थी तो उसके तहत दिशा निर्देश दिए। इसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने भी इस बार पूरा जोर लगाया है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महरा, उन्होंने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो है उन्होंने हरिद्वार से शुरू की थी और केदारनाथ में जो है इसका समापन हुआ था। हालांकि आपदा के बीच चक्कर में ये दो बार जरूर रुकी, लेकिन उन्होंने ये यात्रा पूरी की और इसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि इस यात्रा का लाभ जो भी मिलेगा वो आने वाले प्रत्याशी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जनता का रुख किस ओर जाएगा तो ये जो है मतगणना के बाद ही स्थिति स्पष्ट से नजर आएगी, लेकिन अभी दोनों जो पार्टियां हैं वो दोनों पार्टियां अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगी और इसके साथ ही साथ घर घर जाकर जो है वोट मांगने का भी काम करेंगी। जी मानशु, अब देखने वाली बात होगी कि केदारनाथ की जनता किसके सिर पर ताज को सजाती है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मानशु। आगामी 14 नवंबर से गोचर मेला मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन विकास गोचर मेला बहुआयामी अंदाज में देखने को मिलेगा। मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की आकर्षक झलक के साथ ही विविध मनोरंजक कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए गोचर मेले की सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम को अंतिम रूप देकर शीघ्र मेले का बाउंसर प्रकाशित किया जाए। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सहित सभी महानुभावों को समय पर निमंत्रण पत्र भेजे जाए। मेले के दौरान शांति सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पार्किंग, मूवमेंट प्लान, शुद्ध पेयजल, विद्युत आदि व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। मेले में विकास प्रदर्शनी हेतु विभागीय एवं स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल और विभिन्न गोष्ठियों के संचालन हेतु समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। मेले के दौरान सफाई व्यवस्था में लगे पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया जाए। देखिए, आज जो गोपेश्वर में गोचर मेले के संदर्भ में बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग और समितियों के सदस्य शामिल थे, तो कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, साफ सफाई, शौचालयों की व्यवस्था, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। और अब गोचर का मेला 14 नवंबर को नज़दीक आ गया है और चूंकि दिवाली का त्यौहार भी है, इसलिए आज ये बैठक संपन्न करा ली गई है। आशा है कि इस बार का गोचर मेला भव्य हो। दीपावली त्योहार के मद्देनजर हल्द्वानी शहर में अग्निशमन विभाग कितना तैयार है, इसको लेकर के एसपी सिटी ने अग्निशमन विभाग के फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण किया। दीपावली में आतिशबाजियों के चलते लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसको देखते हुए शहर में 14 फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं, जिसे इमरजेंसी में तत्काल शुरू कर आग पर काबू पाया जा सके। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने सीएफओ के साथ सभी फायर हाइड्रेंट स्थल का निरीक्षण कर उन्हें चलवाकर देखा। इस दौरान एसपी सिटी ने बताया कि दीपावली त्योहार में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। शहर में लगे फायर हाइड्रेंट की चेकिंग की गई और अभी तक सभी फायर हाइड्रेंट सही पाए गए हैं। साथ ही
फायर ब्रिगेड के स्टाफ को भी 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। इस शहर में 14 फायर हाइड्रेंट हैं जिनकी आज अकस्मात चेकिंग की गई। सीएफओ साहब जो फायर के हैं वो भी साथ में हैं। अभी 2 फायर हाइड्रेंट चेक किया हमने, उनमें पानी आया है। अभी आप देख रहे हैं कि इसको भी खोल के चेक किया गया और सही पाया। त्यौहार के मद्देनजर फायर विभाग भी किस तरह से पूरा अलर्ट है? फायर विभाग इसमें अलर्ट है, यही चेक करने के लिए ये ड्रिल की गई है कि समय पर अगर ज़रूरत पड़े तो क्या उससे पानी आता है कि नहीं आता है, और ये ड्रिल निरंतर जारी रहेगी और विशेषकर त्योहारी सीजन को दृष्टिगत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने डोईवाला में कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं मन की बात कार्यक्रम के बाद सभा को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर महीने के अंतिम रविवार को देश के पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देश में होता है। डोईवाला में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की गई। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में लगातार आगे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पर मास के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात का संदेश होता है और हमारे सब कार्यकर्ता हर माह के अंतिम रविवार को उस कार्यक्रम में पहुँचते हैं और मैं आज डोईवाला के इस बूथ पर यहाँ उपस्थित रहा। मोदी जी का उद्बोधन, मोदी जी का संदेश, ये जहाँ विकसित भारत के लिए एक सार्थक संदेश के रूप में है, वही मोदी जी ने जो हर क्षेत्र में विकास के लिए जो आम नागरिकों को, वैज्ञानिकों को, हर क्षेत्र के उपलब्धि भरे नौजवानों को जो उद्गृत करते हुए सबके सम्मुख रखते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी लगातार मोदी जी का से जुड़ने वाली ये संख्या बढ़ती है और एक व्यापक रूप से देश के अंदर मोदी जी का जनसमर्थन खड़ा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाने साधते हुए कहा कि भाजपा काल में रुड़की का मेन सोलानी नदी का पुल और मंगलोर के लिब्बर हेड़ी के पुल का आज तक निर्माण नहीं हुआ, जिसको लेकर लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उन्होंने दीपावली पर्व के मद्देनजर पत्रकारों और कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर पहाड़ी और मैदानी व्यंजनों का आनंद भी लिया। गरीब लोग चाहे वो कार्ड धारक हो या लाल कार्ड, पूरे हरिद्वार के अंदर हजारों लोग हैं, हजारों लोग जिनमें ज्यादातर लोग असंगठित हैं, मौन है और असंगठित है, इससे उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं उनकी आवाज कांग्रेस की आवाज मिलने का काम तो करो, ये यूनिटी को काट रहे हैं, लाल में भी काट रहे हैं, सभी में भी काट रहे हैं, सभी को निशुल्कता पूर्वक काट रहे हैं। परिवार के 12 सदस्य हैं, किसी की मौत हो जा रही है कोई छोड़ने वाला नहीं है। कोई और आपके द्वारा बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया, मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लगातार गंगे का जो है, पहले हमने मूली के लिए धरना प्रदर्शन किया और अब जो है सत्र को चलाने के लिए भी हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हम अपने विधायकों के द्वारा विधानसभा में आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। हरिद्वार के भाद्राबाद स्थित पतंजलि आचार्य कुलम का 12वां वार्षिक उत्सव आज बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां उनका भव्य स्वागत योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। बाबा रामदेव ने अपने संबोधन में बताया कि पतंजलि आचार्य कुलम की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई है और इसे एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम पर संचालित किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा की धरती पर विश्व के सबसे बड़े आचार्य कुलम की आधारशिला जल्द रखी जाएगी।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था उसके 12वें वार्षिक उत्सव पर एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम के इस अनुष्ठान में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से जिस आचार्य कुलम को, जिस पतंजलि गुरुकुलम और जिस पतंजलि विश्वविद्यालय को देखा, इसका लगभग 100 गुना बड़ा स्वरूप अब हरियाणा की धरती पर आने वाला है और यह विश्व का बहुत बड़ा विद्या का एक केंद्र हरियाणा में बनने वाला है। उसकी आधारशिला बहुत जल्दी हरियाणा में रखी जाएगी और पूरी दुनिया के 1 लाख से ज़्यादा लोग, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक और बड़े रिसर्च स्कॉलर तक आकर के जहाँ पर पढ़ेंगे, तो पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल, पतंजलि ग्लोबल आचार्य कुलम और पतंजलि का ग्लोबल विश्वविद्यालय का स्वरूप और पतंजलि का वेलनेस का ग्लोबल स्वरूप वो हरियाणा में सामने आएगा। आचार्य कुलम के 12वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुझे यहाँ बच्चों से भी, बच्चों के अभिभावकगण से भी और हमारे उच्च कोटि के संतगणों से भी मिलने का मुझे अवसर मिला है। ये आचार्य कुलम जिसकी उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने करकमलों द्वारा किया था, आज ये वट का वृक्ष बन रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ से जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के निकलते हैं, वो शिक्षा लेकर के ही नहीं, वो संस्कार भी साथ लेकर के यहाँ से देश और विदेश के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर भी वो सेवाएं देते हैं वहाँ पर इस पतंजलि योग पीठ के इस आचार्य कुलम से निकले हुए बच्चों का अलग वहाँ पर एक काम करने का जो व्यवहार का तरीका है और उससे लोगों को जो सेवाएं देते हैं वो अलग प्रकार की उनको सेवाएं मिलती हैं। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड मंगलौर के द्वारा प्रबंधन ने उत्तम चीनी मिल लिब्बरहीडी के गन्ना यार्ड का निरीक्षण किया। समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने अधिकारियों को साथ लेकर मिल यार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान अभी तक पूर्ण रूप से यार्ड सही ना कराए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की। सुशील राठी ने कहा कि गन्ना लेकर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बरेडी का जो पेराई सत्र है 4 नवंबर 2024 को शुरू होने जा रहा है और उसकी पूरी तैयारियां चीनी मिल ने कर ली है। कल हमने अपने गन्ना विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर के वहां का निरीक्षण यार्ड का किया है। वहां पे जो कमियां भी रहेगी थी उसको दूर करने के लिए उनको कहा है चीनी मिल के जो उपाध्यक्ष हैं, पीपी हैं लोकेंद्र लामा जी और जो वहाँ के गन्ना महाप्रबंधक हैं अनिल सिंह जी और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे हमने कहा है कि जो बची हुई चीज़ें हैं उसको पूर्ण कर लें, क्योंकि जब सीजन शुरू होगा उस समय अगर कोई कमी रह जाएगी तो वो फिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम समय रहते उसको पूरा कर लेंगे। वैसे उन्होंने यार्ड बहुत अच्छा कर दिया है, लगभग पूरे यार्ड अब पक्का हो चुका है। कहीं जो सीजन में कीचड़ बारिश हो जाती है, कीचड़ या धूल मिट्टी रहती है, उसको भी उसकी समस्या भी इस बार नहीं रहेगी। विकासखंड कर्णप्रयाग की ग्राम पंचायत नोटी में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार की अध्यक्षता में बहुद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 58 समस्याएं दर्ज की जिसमें से 27 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अनिल लोटियाल एवं ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी भी मौजूद रही। शिविर में विभागीय स्टॉलों के माध्यम से तमाम प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विभागीय स्टॉलों पर 354 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। आज इस बहुद्देशीय शिविर में टोटल 58 समस्याएं आई जिसमें 27 का तत्काल निराकरण कर दिया गया। अन्य समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें।
उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने नानकमत्ता क्षेत्र में वन विभाग टीम पर फायरिंग करने के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। घायल आरोपी के पैर में गोली लगी और किच्चा अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मुठभेड़ में घायल बदमाश से पूछताछ की और मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। पुलिस इस मामले में 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले दिनों थाना नानकमत्ता क्षेत्र के ग्राम के थुलिया में वन विभाग की छापेमारी के दौरान वन रेंज रंसाली की टीम के ऊपर कुछ तस्करों द्वारा हमला किया था। इस दौरान की गई फायरिंग में एक वन आर्ची घायल हुआ। इस मामले में वन विभाग ने तस्करों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। नानकमत्ता थाना क्षेत्र में 15 और 16 की रात को इसी माह में कैथुलिया गांव में वन कर्मियों के द्वारा एक रेड मारी गई। उस रेड में कुछ अपराधी वन तस्कर ऐसे थे जिन्होंने वन कर्मियों पर फायर किया, जिसमें कुछ कर्मी घायल भी हुए। संबंधित धाराओं में उसी दिन अपराध पंजीकृत किया गया और जो वन तस्कर थे उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस लगी रही। इस पूरे मुकदमे में 5 नामजद अभियुक्त थे, जिसमें कि 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। एक अभियुक्त जसपाल, जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमे थे, उसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई जो पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बर्रा चौकी में कहीं पर है और वह भागने की तैयारी में है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें कि उसके पैर में गोली लगी और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।